वेलकम बैक, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और अमेजोन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपलोड कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बारे में और जानेंगे कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, इसके क्या फीचर होते हैं, इसका कहाँ पे यूज होता है और इसको फिर बाद में हम प्रैक्टिकली लैब में देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके सामने आती है वो है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसकी डेफिनेशन को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ के सुनाने का नहीं, आपको समझाने का है। तो समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम मैंने लगाया हुआ है जो कि एक अपार्टमेंट का है। जनरली आपके शहरों में आप इस तरीके के बड़े बड़े घर देखते होंगे, घर नहीं एक्चुअली बिल्डिंग देखते होंगे, उसमें जो है फॉर एग्जांपल के लिए आपका अपना फ्लैट है, इसको हम बोल देते हैं ये है हमारा नेटवर्क सील्ड का स्टूडियो बना लेते हैं इसको हम। ठीक है, ये नेटवर्क सील्ड है। तो इस कमरे के अंदर में मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँ, चाहे मैं म्यूजिक सुनूँ, चाहे मैं टीवी देखूँ या कुछ भी करूँ, इसको मेरे आस पास के इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेरे अपने फ्लैट पे मेरा अपना खुद का कंट्रोल होता है। तो सिमिलर वे में ये बिल्डिंग जो है ये AWS है और इसमें जितने बाकी के घर हैं ये सारे जो हैं Amazon की लैंग्वेज में तो ये मेरा VPC है। ठीक है, बाकी लोग भी यहाँ पे Amazon की वेब सर्विसेज की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, उनके इंस्टांसेस हैं, ठीक है, उनके सर्वर हैं, उनके स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन मेरे स्टोरेज डिवाइसेस को, मेरे नेटवर्क को, मेरे कंपोनेंट को कोई छू ना ले, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की इन ए सोशल वे। ठीक है, प्रोफेशनल वे में डेफिनेशन जो है वो आप लोगों के सामने में है, जो कि डिफाइन करता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर वर्चुअल नेटवर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे कि आपके अपने नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में आपका कंट्रोल होगा, इंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस रेंज, जो भी आईपी एड्रेस रेंज आप असाइन करेंगे उन पे आपका कंट्रोल होगा, उनको आप किसके साथ नेट करते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं, ऐप वेब एंड DB, ये आपके सर्वर हैं जो भी हैं, इनको आप कैसे आइसोलेट करते हैं, ये सब आपके हाथ में कंट्रोल होता है। राउटिंग टेबल आप डिफाइन कर सकते हैं एंड इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके अपनी अपनी फायरवॉल्स और गेटवेज वगैरह होते हैं। ठीक है, जो कि आप अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बट ये डेफिनेशन है तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए अभी के लिए। ठीक है, अब ये डायग्राम है और 1-to-1 मैं स्टेप्स यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। देखो 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो ऐसे हम चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ये कहता है कि आप जब भी AWS पे VPC क्रिएट करते हैं तो आपको एक IP एड्रेस रेंज प्रोवाइड करनी होती है, जिसको हम CIDR वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए इसको हम ऐसे लेते हैं, जब भी आप एक कंपनी इन्वायरमेंट सेटअप करें, कोई नई कंपनी है, यहाँ पे आप डेटा सेंटर ओपन करते हो, तो सबसे पहली बात क्या होती है, आईपी एड्रेस रेंज। ऑब्वियसली आपको आईपी एड्रेस रेंज देनी पड़ेगी, जो कि आपको यूजर को देनी है, आपके आपके सर्वर को देनी है, आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस को देनी है, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में आपको पता है कि आपके टोटल 25 यूजर काम करने वाले हैं। ठीक है, 25 यूजर काम करने वाले हैं, जिसमें से कि मुश्किल से 5 सर्वर होंगे आपके, प्लस 2 नेटवर्किंग डिवाइस होंगे, प्लस 1 गेटवे सिक्योरिटी गेटवे मान लो। टोटल फॉर एग्जांपल के लिए हार्ड टू हार्ड 35 आईपी एड्रेस अगर आपके यूज में हो रहे हैं, तो आप कौन से क्लास का सबनेट लेंगे, क्लास सी का लेंगे। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है वो मेरा CCNA का सबनेटिंग का सब वीडियो जरूर देख लें, या अगर उनको मेरी वीडियो से बोरियत आती है कोई और चैनल के वीडियोस को देख लें, लेकिन सीख लें इस चीज को, क्योंकि VPC में ये बहुत काम आने वाला है। तो हाँ, रिक्वायरमेंट तो 35 आपको आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है यार क्लास सी में जो है 254 होस्ट हमें फ्री मिल जाते हैं। अब 254 होस्ट फ्री मिल जाएंगे तो मैं एक काम करूंगा, मैं 192.168.1.0/24 का सबनेट ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा रहेगा। सबसे पहले जो है आपको एक सबनेट चूज करना होता है जब भी आप VPC क्रिएट करते हैं, और उस सबनेट को फिर आप ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने ब्रेक किया हुआ है, तो सबसे पहले जैसे मैंने इसको इस सबनेट को /16 को मैंने /24 पे ब्रेक कर दिया, 10.0.1.0/24, इसका जो लास्ट आईपी होगा वो क्या होगा, 10.0.1.254/24, ये लास्ट आईपी होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सबनेट मैंने क्रिएट कर दिया 10.0.0/24। ठीक है, जिन लोगों के समझ में अभी नहीं आ रहा वो प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार सबनेटिंग का वीडियोस देख लें। ठीक है, अब दूसरी बात, जब हम VPC क्रिएट करते हैं तो ये जो VPC हम क्रिएट करते हैं ये कहाँ करते हैं, ये हम करते हैं एक रीजन में। ठीक है, एक रीजन में हम कम मैक्सिमम 5 VPC क्रिएट कर सकते हैं,
बाय डिफॉल्ट हम 5 VPC क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आपका डिफॉल्ट VPC आता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जब भी हमने EC2 के इंस्टांसेस के वीडियोज हमने क्रिएट बनाए थे, हमने लैब की थी, तो आपने देखा था एक डिफॉल्ट VPC आता है। उसके अलावा हम 5 और एक्स्ट्रा VPC क्रिएट कर सकते हैं, और जो VPC हम क्रिएट करते हैं वो होते हैं हमारे रीजन में, वो अवेलेबिलिटी जोन में नहीं होते हैं, वो हमारे रीजन में होता है। जब VPC हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो हम उसके सबनेट को जब हम ब्रेक करते हैं, तो उसको हम डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अवेलेबिलिटी जोन ए है, अवेलेबिलिटी जोन बी है, ठीक है। और दूसरी बात, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अवेलेबिलिटी जोन में जो सबनेट यूज किया है वो किया 10.0.0.0/24, तो सेम सबनेट में जो है अपने अवेलेबिलिटी जोन बी या सी या डी किसी अदर अवेलेबिलिटी जोन में यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि VPC जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो रीजन में कर रहे हैं, और रीजन के अंदर में अवेलेबिलिटी जोन आते हैं, तो ये ओवरलैप हो जाएंगे IP एड्रेस। ओके जी, ये आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये था कि हम एक सबनेट डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम उस सबनेट को ब्रेक करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ इस अवेलेबिलिटी जोन में मेरे वेब के सर्वर रहें, और इस अवेलेबिलिटी जोन में मेरे ऐप के सर्वर रहें, तो मैंने इन दोनों को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। इनके बीच में आप कम्युनिकेशन होगा तो वो होगा सिक्योरिटी गेटवे के थ्रू, वो आगे अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, एक्सपेंड योर VPC बाय एडिंग सेकेंडरी IP रेंज। ठीक है, आपने एक VPC क्रिएट कर दिया, VPC 1, जैसा कि मैंने बोला कि एक रीजन में हम कितने VPC क्रिएट कर सकते हैं, 5 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मुझे और सबनेट की जरूरत है, मुझे और IP एड्रेस रेंज की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, VPC 2 क्रिएट करूंगा। इसमें मैं ऐड नहीं कर सकता, इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। एक बार मैंने क्रिएट कर दिया इसको, तो मैं फिर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसको मैं /8 करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे फिर जो है अलग से VPC बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंड योर VPC बाय एडिंग सेकेंडरी IP रेंज, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड योर VPC प्राइवेट IP एड्रेस रेंज, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको फिर मैंने डिवाइड कर रखा है फर्दर ऐसे, ये रहे 2 सबनेट में, ठीक है ठीक है। और अगर अगर इन केस अभी जैसे ये प्राइवेट IP एड्रेस आपको दिख रहे हैं, अगर ये पब्लिक होते तो हम पब्लिक को भी यहाँ पे ब्रेक कर सकते थे। अब बात आती है कि किस IP को हमने अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है। उसके लिए यहाँ पे अभी यहाँ पे डायग्राम पे नहीं है, एक नेक यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। जब भी आप VPC क्रिएट करते हैं, आपके 4 कंपोनेंट जो है बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो नेक है, वो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। वो आपके VPC के बीच में जो भी IP एड्रेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसको अगर आपको कंट्रोल करना है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज आपको बताता है, ठीक है। अभी डायग्राम में बहुत कुछ है, आप अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस आप देखते जाएं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जिनको कि मेरे को लगता है मैं अगर बोलने से चूक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं पहले ये कंपोनेंट पहले ये टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। आप फिफ्थ है, आपने एक VPC 1 यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ऐसे ही एक VPC आपने एक और बना दिया, ठीक है। AVPC, इनके बीच में आपको कम्युनिकेशन करना है तो वो आप कर सकते हैं इनके पीयर IP के थ्रू। इनका पीयर IP जो होगा उनको आप शेयर कर सकते हैं। जब भी आप VPC क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इसके कुछ 1-5 IP जो है रिजर्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला IP जो है वो रिजर्व हो जाएगा आपकी गेटवे के लिए, सिक्योरिटी गेटवे, सॉरी ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के लिए। दूसरा IP जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके अपने गेटवे अपने डिवाइस के लिए रिजर्व हो जाएगा। तीसरा IP फॉर एग्जाम्पल के लिए DHCP सर्वर के लिए। तो ऐसे ये 1-5 IPs आपके किसी न किसी रीजन के लिए रिजर्व हो जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वैसे ही एक IP आपका रिजर्व हो जाएगा VPC पीयर के लिए। तो 2 VPC आपने क्रिएट करे एक रीजन के अंदर में, अब आप चाहते हैं कि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो तो आप वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये था अपना लास्ट स्लाइड, उसके बाद मैं अपने मन का पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉइंट ये, अगर आपको कंपलसरी नहीं है कि आप पब्लिक IP एड्रेस रेंज अपने VPC में यूज करें, आप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपकी कंपनी है नेटवर्क सील, ठीक है, नेटवर्क सील आपकी कंपनी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे एक इसको हमने बोल दिया VPN गेटवे, ठीक, गेटवे को मैं GW से दिखा रहा हूँ। इससे आपने ये क्लाउड है आपका, AWS का क्लाउड है, यहाँ पे भी आपने VPN गेटवे बना दिया, ठीक है। अब आप प्राइवेट टू प्राइवेट IP एड्रेस कम्युनिकेशन कर सकते हो इनके बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। ओके, वो हम अभी धीरे धीरे देखेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हल्का सा यहाँ पे समझा दिया कि इंटरनेट गेटवे विदाउट यूजिंग इंटरनेट गेटवे आप यूज कर सकते हैं नेट करके, और फायरवॉल प्रॉक्सी वगैरह फायरवॉल यूज करके, और VPC एंड पॉइंट यानी VPN वगैरह यूज करके आप यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद 7th है आपका इनेबल बोथ IPv4 एंड IPv6 इन योर VPC। आप दोनों IP एड्रेस रेंज यूज कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप केवल IPv4 ही कर सकते हैं, आपको आप IPv6 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं आप लोगों के सामने में, जिनको कि आप लोगों को अपने माइंड में रखना है, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं। तो ये जस्ट अभी तक जो अपडेट है अमेजोन की तरफ से, उनकी वेबसाइट से मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यू कैन हैव अप टू 5 नॉन डिफॉल्ट अमेजोन वीपीसी, जो मैं पहले ही बयां कर चुका हूँ कि 5 वीपीसी आप बना सकते हैं, लेकिन ये स्टार का मतलब ये है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमेजोन के एक स्पेशल रिक्वेस्ट प्रोवाइड करनी होती है और वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको फिर और वीपीसी क्रिएट करने का ऑर्डर दे देंगे, यानी आपको वो अलाउ कर देंगे वीपीसी और क्रिएट करने का। यू कैन हैव अप टू 4 सेकेंडरी आईपी रेंज पर अमेजोन वीपीसी, यानी अगर आपको जो सबनेट आप क्रिएट करते हैं वीपीसी, जो अभी जो मैंने दिखाया था 10.0.0 ये वाला सबनेट, ठीक है, ऐसी आप 5-4 और यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सेम यूज नहीं कर सकते आप। जैसे यहाँ पर 10 का यूज किया तो आप 20 का यूज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं जी मैंने 10 का यूज किया सेम मैं अगले वीपीसी में यूज करूंगा, नहीं भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वीपीसी किसके अंदर में बनता है, रीजन के अंदर में बनता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यू कैन क्रिएट अप टू 200 सबनेट पर अमेजोन वीपीसी। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक बड़ा सा सबनेट 10.0.0.16 का लिया, अब आप इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 200 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कैसे, बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप इसको स्टार लगा हुआ है तो इसको समझ जाओ कि इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अमेजोन को। ओके, यू कैन हैव अप टू 5 अमेजोन वीपीसी इलास्टिक आईपी एड्रेस पर AWS अकाउंट पर AWS रीजन, यानी आप केवल 5 इलास्टिक आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं एक रीजन के अंदर में, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो आप अमेजोन को रिक्वेस्ट करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक आज का आता है वो आता है डिफॉल्ट वीपीसी कंपोनेंट। तो जब भी हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके ये 4 कंपोनेंट क्रिएट हो जाते हैं, जिनके जिनको कि आप फिजिकली जिन पे कि आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, बट ये क्रिएट हो जाते हैं और ये काम करना शुरू करते हैं क्योंकि ये मशीनरी इमेजेस होती हैं। सबसे पहला इंटरनेट गेटवे, इसको लेके जाता हूँ मैं, ये रहा इंटरनेट गेटवे, कहीं था ये रहा इंटरनेट गेटवे। दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप तो यार जब हम EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे तब भी बन जा रहा था, जैसे EC2 इंस्टांस जब हम क्रिएट कर रहे थे सिक्योरिटी ग्रुप बन जाता ना, सिमिलर वे में इंटरनेट गेटवे भी बन जाता है। बहुत चिल्लर सी चीज़ है, आप टेंशन ना लो, बस आप बने रहो हमारे साथ। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कहीं पर है क्या ये आपको दिखेगा नहीं, ये डिवाइस आपको दिखेगा ही नहीं, आपके पास जैसे सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आता है वैसे ही आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। और DHCP आप ये IP एड्रेस को मान लो, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में यहाँ पे एक और इंस्टांस में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ना, तो इसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगी, वो कहाँ से होगी, DHCP के थ्रू होगी। उसको मैं चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, बट ये DHCP के थ्रू मैंने जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीपीसी क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट रहा हो तो यार कमेंट करें, और कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो कमेंट करें, ठीक है। कहीं पे कोई ऐसा टॉपिक जो आपके समझ में ना आया हो और मैं उसको समझा ना पाया हूँ तो आप उसको बताएं, क्योंकि मैं अगला लेक्चर वीपीसी का अपलोड करूंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस चीज़ को वहाँ पे जो है कवर कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बोर ना किया हो।